हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हिंदी में द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हम समझ लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं। देखिए, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो आयनिक कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं और दो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, इस तरह की रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह देते हैं। हिंदी में समझ लेते हैं कि जब दो आयनिक यौगिक आपस में अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, आदान प्रदान करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में शेयरिंग कह देते हैं, उनकी वजह से दो नए अभिकारक या दो नए घटक बन जाते हैं, जिन्हें हम कंपाउंड कह देते हैं, ये इस तरीके से। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम द्वि विस्थापन अभिक्रिया कह देते हैं, जहां पे आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन से दो नए आयनिक कंपाउंड बनते हैं। दो आयनिक कंपाउंड का मतलब है आयनिक यौगिक। कंपाउंड कहते हैं यौगिक को जिसमें दो या उससे ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं, उसके पदार्थ को हम आयनिक कंपाउंड कह देते हैं, ठीक है, जिसे हम हिंदी में आयनिक यौगिक कह देते हैं। अब समझ लेते हैं किस टाइप की रिएक्शन हो रही थी। बेरिलियम पहले क्लोरीन के साथ था और सोडियम पहले सल्फेट के साथ था। अब देखिए, बेरिलियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है Ba, और यहाँ से SO4 डिग्री लिख दिया BaSO4 प्लस पहले। अब यहाँ पर देखिए, बेरिलियम क्लोरीन के साथ था, अब क्लोरीन रिएक्शन किससे होगी, सोडियम के साथ। यहाँ क्लोरीन भी 2 है और सोडियम भी 2 है, तो हमने दो लिख दिया Na+Cl, सोडियम क्लोराइड, क्योंकि यहाँ Na2 थे और Cl भी 2 थे, तो हमने 2 कॉमन ले लिया और NaCl लिख दिया, ओके। इस तरह से आपने देखा कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक बार यहाँ से एक एलिमेंट चेंज हुआ और एक यहाँ से, इसलिए इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा गया। सेकंड एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। Na के साथ Cl था यानी सोडियम क्लोराइड, और AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्राइड, AgNO3। अब यहाँ से देखिए, Na और NO3 की आपस में रिएक्शन हो गई ये, और Cl और Ag की रिएक्शन हो गई AgCl। तो आपने देखा यहां से भी दोनों कंपाउंड्स अलग हुए और यहां से भी दो अलग हुए, तो डबल हुए अलग अलग, इसलिए हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा। इसे यहां हिंदी में समझ लीजिए, द्वि विस्थापन अभिक्रिया में बेरिलियम क्लोरीन के साथ था, सोडियम सल्फेट के साथ था, बेरिलियम की किससे रिएक्शन हुई, सल्फेट से, तो देखिए BaSO4 बना, ठीक है, Cl2 थे और सोडियम भी 2 थे, तो 2 कॉमन लिख दिया और NaCl लिख दिया, ओके। यहां सेकंड एग्जांपल में भी देखिए, NaCl के साथ था और AgNO3 के साथ था, तो NaNO3 के साथ रिएक्शन कर लिया, ठीक है, ये देखिए, और Cl ने Ag के साथ रिएक्शन की, तो AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड बन गया और यहाँ पर सोडियम नाइट्राइड बन गया। तो ये इससे समझ में आता है कि जो दो आयनिक कंपाउंड होते हैं जो आपस में रिएक्शन करते हैं, तो उनके जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं वो अपने दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन कर लेते हैं, जिसकी वजह से नए आयनिक कंपाउंड बन जाते हैं, ओके। इस टाइप की रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह देते हैं, हिंदी में उसे द्वि विस्थापन अभिक्रिया कह देते हैं, ओके।